टीरेक्स का ब्लॉग बनाया था 1200 पौधे का, उसमें क्या है, उसमें मेरे भी एज इट इज़ ये इशू आया, तो वही है जो हमारे फेलियर है उससे हम सीख रहे हैं, जो हमने सोचा कि भाई किस तरह से क्या, जो ऑब्जर्व किया कि क्या इशू है। जैसे ये वाला एरिया, ये टोटल ब्लाइंड वुड रह गया, अब यहाँ पे आइज है तो डेड है इवन, जैसे मैं देख रहा हूँ आपने नॉचिंग भी की है तब भी नहीं आया, हमने भी की नॉचिंग तब भी नहीं आया। तो ये क्या है, ये जनरली ये एक तो इस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ पे कट मारा पहली साल, उसके बाद आपका कट है ऊपर, है ना, ऊपर ये जो कट लगा है ये लंबा लगा है, है ना, दूर कट हुआ, दूर कट से क्या हुआ, जो इसकी आइज थी ये स्प्राउट हुई नहीं। अगर इसका कट थोड़ा नज़दीक लगता तब जाके ये नीचे वाली आइज भी स्प्राउट होनी थी। अब क्या है, इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो कोशिश की थी, हमने भी की थी कि एक तो नॉचिंग की थी, PGR भी लगाया था, सब कुछ किया पर नहीं हुआ। तो इसका क्या है, इसका एक तो मैंने साइंटिस्ट से भी बात की, वो क्या बोलते कि माइक्रोबायल एक्टिविटी, जो सॉयल हेल्थ सबसे ज़रूरी है कि सॉयल में जो जीवाणु होते हैं, दो चीज़ें हैं सॉयल में, एक जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जीवाणु है, जैसे ठीक है जीव से जो सड़के जो अणु रहते हैं उसमें जीवाणु जो न्यूट्रिशन को अपडेट करने में हेल्प करते हैं, वो स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब हो जाता है सॉयल का, उस वजह से क्या होता है कि भाई पौधे को ज़रूरत होती है एक न्यूट्रिशन, NPK जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरा जीवाणु, तो उसमें क्या हुआ कि भाई उसकी रेशो बोलते कम है, तब जाके ये ऊपर इस तरह से हालात बन रहे हैं उन्होंने जो बोला। पर उसमें क्या है कि कई एक पौधों में, हमारे भी कई पौधों में ठीक ग्रोथ है, जैसे इसमें भी दिख रहा है, कईयों में डेड वुड नहीं है, कईयों में है। अब इसमें मेरे हिसाब से जो बाहर से पौधे आए, खासकर गाला में ये दिक्कत है, जो रेड डिलीशियस उसमें दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो उसके साथ वाला, जैसे सपोज ये वाला शूट है ना, ये वाला, तो आपने इसको एक को हटा देना है, तो जो दूसरा है इसको आप बाइंड करके यहाँ से नया लीडर निकाल दो, क्योंकि अब ये वाला तो डेड वुड बन चुका है, इसकी आइज तो काम आनी नहीं है, ना इस पर अब नए शूट आने हैं, ना ये फ्रूटिंग एरिया ख़त्म हो गया है। मतलब अगर इतना बड़ा प्लांट आपका 12 फुट का है तो 6 फुट का प्लांट आपका फसल देगा, 6 फुट का देखने के लिए खाली। तो अगर आपने पूरा का पूरा प्लांट कंज्यूम करना है तो आपने क्या करना है, या तो जहाँ से डेड वुड पैदा हो रहा है, जैसे आपने बैंड किया ना, अगर सपोज ये बैंड नहीं होता तो इसको आपने यहाँ बांध के ये नया लीडर इसको बना देना था, क्योंकि जो फ्रेश ग्रोथ है, फ्रेश शूट है, इसको फिर आप इसमें नॉचिंग वाली प्रैक्टिस करके पूरा नया प्लांट बना सकते हो। पर यहाँ से ऊपर जैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बांधेंगे ये वाला ना, तो आपने अगर एक महीने भी यहाँ पे बांधा ना तो ये मतलब लीडर बन जाएगा, तो आप कुछ एक महीने बाद इसको काट के यहाँ से निकाल सकते हो, इसको लीडर बना सकते हो। तो फ्रेश प्लांट बन गया, इसमें आपने इसके बाद क्या करना है, नॉचिंग करके वो पूरा प्लांट रिवाइव हो सकता है। तो मैक्सिमम जो भी है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, तो डेड वुड का इशू हर जगह है, हमारे हिमाचल में भी, आपके उत्तराखंड में भी है। ये डेड वुड का रीज़न यही है कि जो एक तो हम लंबे कट मार रहे हैं, और दूसरा नॉचिंग करने के बाद भी जो नहीं निकल रहा, अब पता नहीं क्या कि या तो हमारी नीचे वाली जो थोड़ी ये प्रोनिंग वाली प्रैक्टिस है, यहाँ कोई इशू है कि जो ऊपर सेफ फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, या ये आइज ब्रश नहीं हो रही, पर फिर भी जो चीज़ें हो चुकी है अगर उसको इम्प्रूव करना है तो आपने क्या करना है, इस शूट को आपने बांध के नया लीडर बना देना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है जो मैंने नोटिस किया है कि जितने भी गाला के प्लांट है ना, उसमें क्लिक प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, क्लिक बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी, जैसे ये वाला, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला शूट देखो, इसमें आपने इतना दूर अगर क्लिक मारा है इस पे ना, तो ये देखो ये सारा डेड वुड है, फ्रूटिंग एरिया नहीं है, जबकि इसमें फ्रूट लगना चाहिए था आपके। तो आपने क्या करना है, जैसे सपोज़ ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपके पास एक दो फ्रूटिंग बड है, दो, ठीक है। अब यहाँ मेन स्टेम के पास अगर कोई बड होगा, उसमें ज़्यादा हेल्दी फ्रूट बनना है, जो दूर बड होगा उसमें 6 लेयर या छोटा फ्रूट बनेगा। तो बेटर है आपने क्या करना है, इसको रिन्यूअल पे डालना है, तो रिन्यूअल पे आपने इस तरह से काट देना, क्योंकि अगर आपको दो तीन फ्रूट चाहिए तो इसी में आ जाने हैं। अब ये वाला तो सारा डेड वुड है, अब इतना दूर अगर आप फ्रूट भी लोगे तो सारा सेपरेटर या आपका DC ग्रेड का होना है। तो बेटर कि आप एक तो इसमें ये हटाने से सन पेनिट्रेशन प्रॉपर हो जाएगी, धूप भी अंदर तक जाएगी, और इसको भी थोड़ा जो फालतू का सैप ये डेड वुड खा रहा था ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा, ये चीज़ है। दूसरा क्या है, दूसरा जो हमने नोटिस किया है कि लोग क्या कर रहे हैं कि स्टब कट मार रहे हैं। स्टब कट ठीक है, जैसे सपोज़ ये पूरा पौधा है, तो पौधे में क्या करना है कि अगर आपने वही पुराना कॉन्सेप्ट मैन लीडर से 35% से ज़्यादा मोटा कोई शूट हो रहा, तो एक आपने रिन्यूअल पे डाल देना है। जैसे सपोज इसको निकालो या इसको निकालो, एक या दो शूट हर साल पूरी कैनोपी से आपने निकालना, ताकि पौधा थोड़ा रिवाइव हो जाए और नए मतलब रिजेनरेट हो जाए, मतलब नए तरीके से चल पड़े। तो आपने देखना है उस हिसाब से कि कहाँ पे ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे
ज़्यादा बेहतर रहेगा निकाल के, क्योंकि आपने लीडर भी बनाना है और यहाँ पे तीन शूट है मोटे मोटे, तो एक जगह से आपने यही देखो, जब एक जगह से आपने तीन शूट लिए हो, चाहे SDP हो चाहे रॉयल हो जो मर्जी हो, तो अगर आपने बिल्कुल मतलब 7-8 सेंटीमीटर के आसपास आपने तीन शूट लिए, तो देखो कितना फ़र्क पड़ा। यहाँ लीडर इतना मोटा था, यहाँ बिल्कुल वीक हो गया, इसकी स्ट्रेंथ मर गई ना। और रीज़न क्या रहा कि यहाँ पे जो मोटे शूट आ गए तीन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसमें देखना, जैसे अब इसमें से छांटना कि आप कौन सा निकाल के कम नुकसान होगा, क्योंकि आपने कटिंग के दौरान आपने ये भी ध्यान रखना कि इस साल की फसल भी लेनी है, प्रोडक्टिविटी ना मरे। अब सपोज़ अगर आप ये निकालेंगे तो मेरे को लग रहा है ये पूरा डेड वुड है और इसमें एक भी बीमा नहीं है, ये है ये है ये बिल्कुल वीक है। और दूसरा आपने क्या रखना है ध्यान, जो आपके पौधों में बीमे होंगे ना, आप उसको देख के पता लगा लोगे कि पत्ती वाला बीमा है या फ्रूट वाला बीमा है। अगर बीमे का कलर आपका लाल होगा, बिल्कुल लाल, तो समझो उसमें आप पत्तियाँ निकलनी है। हल्का सफ़ेद होगा तो समझो फ्रूटिंग बड है। और आप इसको काट के भी देख सकते हो थोड़ा सा अंदर से ना, अंदर से भी ये जैसे ये आगे से ना इसकी चोंच लाल लाल है, पर जो फ्रूटिंग बड होगा उसका अंदर से थोड़ा वाइट वाइट सफ़ेद होगा, तो ऐसे पता लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला आपका है ये टोटल डेड वुड है, एक बीमा था वो भी पत्ते वाला था, बाकी ये टूटा हुआ ये कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं खास फोकस कर रहा हूँ कि चलो बाकी तो सबको पता है बेसिक प्रूनिंग के, वो चाहे हिमाचल है चाहे जहाँ के ग्रोवर है, कि स्टब कट हर जगह नहीं माने। जो गाला है, खासकर गाला में जब भी आपका स्टब कट लगना है, वो लगना चाहिए 4-5 इंच से आगे। जहाँ भी आपने नज़दीक स्टब कट मारोगे वो डेड वुड बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये स्टब कट मारे ना आपने तो ख़त्म हो गए, ना नई ग्रोथ आई ना बीमे छोड़े। जो भी आप जैसे सपोज़ अपराइट शूट आएंगे, आपने बेंड किया ये, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये तो फिर भी यहाँ पे टिप पे लग रहा है कि ये कैपेसिटी है इसकी, शायद ये बीमा बना देगा। पर आपने यहाँ बीमा बनेगा उसकी क्वालिटी कम होगी, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है चांस, तो आप इसको यहाँ से काट दो। ये स्टब कट, जो स्टब कट मारने हैं वो लंबे मारने, छोटे नहीं मारने। छोटे मारेंगे तो उसके रिजल्ट ये होने आपके सामने, ये जैसे ये वाला है डेड वुड, हाँ, वो आइज़ भी डेड कर देगा और वो जहाँ से शूट निकला था वो भी डेड कर देगा। तो अब क्या करना है आपने, आपके पास ये तीन शूट थे तो शूट एक साथ थे तो एक निकालना है, एक निकालना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मारना है। अब यहाँ पे आइज़ देखनी है, जैसे यहाँ पे है नीचे एक आइज़ है, हमेशा कोशिश करना है कि नीचे वाली आइज़ पे कट मारना है, कि उस पे जैसे यहाँ एक है यहाँ एक है, तो आप कोशिश करो थोड़ा आगे मारो, ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो कटिंग का या स्टब कट का जो इमीडिएट फ़ायदा मिलता है वो मिलता है ऊपर वाली ग्रोथ को, तो अगर ये दूर लग रहा है तो आप थोड़े नज़दीक आ सकते हो, यहाँ पे भी है आप हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे स्कोप है, आईज हेल्दी है, आई देख नहीं है, हेल्दी होनी चाहिए। कई बार होता है ना, जैसे हमने ये वाला काटा था, इसमें तो स्कोप ही नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि जी स्लिपिंग आईज खुलती है, तो गाला में नहीं खुलती। गाला में आपने देखना, अगर आपने नज़दीक में स्टब कट मारे छोटे छोटे, तो स्लिपिंग आईज खुलेगी नहीं, ये सूख जाएगा। तो स्टब कट में आपने हमेशा रखना है खासकर ध्यान, जो गाला के होंगे वो 3-4 इंच से लंबे होने चाहिए कम से कम, बिल्कुल साथ वाले स्टब कट ये बिल्कुल आपका जीरो है। अब ये वाला देखो, ये आपका टोटल वेस्ट था, इसने क्या किया था, इधर की धूप भी रोकी और ऊपर का ये जो सेंटर को लीडर को सपोर्ट मिलना था, स्ट्रेंथ बनी थी, वो भी ख़त्म हुआ, ठीक है। अब ये वाला अपराइट शूट ये भी किसी काम का नहीं, इतना लंबा। अब इसमें क्या रखना है ध्यान, जो छोटे स्टब कट होते हैं, जैसे यहाँ मारा हुआ है, अगर समर में मैं काटा हुआ है इसको ना, तो समर में क्या था कि इसमें बाई चांस खुल गई ग्रोथ एक, अदरवाइज़ इसमें क्या होता, अगर ये कट स्पर या सेमी स्पर पे लगा होता तो यहाँ बीमे भी फट जाने थे। छोटे स्टब कट काम करते हैं स्पर या सेमी स्पर पे, गाला पे हमेशा क्या होता है कि वो चलता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है, डेड वुड बन जाता है। तो इस पे या तो आप, अब ऊपर वाला शूट है इस पे ना बीमा बनना है, तो इस पे स्टब कट मारो पर लंबा मार लो, इसमें क्या होगा हल्की सी ग्रोथ निकलेगी, पर जो पीछे वाली आइज है वो भी बीमे बना देगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये काम करना है। और गाला में खासकर ध्यान रखना है कि क्लिक प्रूनिंग करनी करनी है, जैसे ये है ना, ये छोड़नी नहीं है, बेशक छोटी लग रहा है टिप पे बेशक है, पर आपके पास पीछे भी ये फ्रूटिंग एरिया है, तो आप इसको काट दो, बेशक थोड़ा मारो इस पे गाला पे टिप, जो कट मारते हैं क्लिक प्रूनिंग करते हैं, खासकर क्या रीज़न होता है, जैसे इसको इसको भी काटना है, हर एक ब्रांच को क्लिक करना है। इसमें क्या होता है कि गाला पे आपको जैसे पता है पोल्ट्री माइल्ड्यू सबसे ज़्यादा रहता है बीमारी, गाला पे एक ही बीमारी अटैक करती है जो वाइट सा होता है पोल्ट्री माइल्ड्यू, वो क्या होता है टिप पे ही होता है। तो अगर आपने टिप ही हटा दी तो समझो क्या हो गया, यहाँ पे आपने कट मारा ये टिप हट गई, तो मतलब पोल्ट्री माइल्ड्यू भी आपका कुछ हद तक हट गया। उसके बाद क्या हुआ, जो पीछे वाली आइज थी यहाँ पे 8-10 आइज है, तो यहाँ पे टॉप वाली हल्की सी ग्रोथ में जाएगी और पीछे वाली खुल जाएगी, जैसे ये डेड वुड हुआ ना इधर पैदा, ये नहीं होगा,
इसमें की बीमा ना दो है, पर इसमें सारे खुलनी चाहिए थी पर नहीं खुली, तो इसका रीज़न ये है या खाली रह गया या दूर पड़ गया इसका कट। तो आपने क्या करना है, ग्रोथ को देख के 1/4 हटाना है उसका ग्रोथ का, बाकी 3 हिस्से पीछे छोड़ देने, तो आपके टोटल शूटिंग एरिया बन जाएगा। तो जैसे ये है तो इसमें आपने हर एक ब्रांच में आपने क्लिक प्रूनिंग करनी है। जैसे यहाँ है तो इसको फ्रूटिंग के लिए रख दिया, इसको क्लिक कर दिया, मतलब आप अगर इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो आपके प्लांट की हैबिट ही ख़त्म हो जाएगी फ्रूट देने की, वो डेड वुड पैदा करेगा फ्रूट देने की जगह। जैसे ये है तो इसको भी आप काट दो, मतलब हर एक गाला की जो कैनोपी है उस पर आप क्लिक होना चाहिए मैक्सिमम। कोशिश करो कि फ्रूटिंग एरिया अंदर ही बने। अब ये वाला है तो इसको भी ऊपर वाले को आप ये हटा दो। अब यहाँ से ऊपर है ये फ्रूटिंग एरिया ही रखना है खाली, तो अब खड़े वाली ब्रांच है तो इसको बट से ही काट दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि ऐसी ब्रांच तो आप नहीं लोगे खड़े वाले। ये जो इतना सा एरिया है खाली फ्रूटिंग के लिए रखना है, दो तीन बार इसमें आप फ्रूट लोगे और उसके बाद आप इसको निकाल दोगे, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी प्रूनिंग है और क्लिक हर, जैसे ये देखो ये वाला, इसमें कट नहीं लगा ना तो डेड वुड बना, अगर इसमें कट लग गया होता तो पीछे से भर के आना था। अब इस साल क्या करना है, इसमें कट मार दो, एक दो हल्की सी ग्रोथ जाएगी, पीछे देखना 100% इसका फ्रूटिंग एरिया बन जाएगा। जो मैक्सिमम गाला के पौधों में हो, चाहे उत्तराखंड है चाहे हिमाचल है, फ्रूटिंग एरिया कम है, आउटपुट कम आ रही है, सेब कम निकल रहा है, उसमें यही वजह है कि हम बना तो रहे कैनोपी पर उसमें फ्रूटिंग बढ़नी है, निकल कुछ नहीं रहा। तो यही है कि आपने ब्लाइंड वुड कम निकालना है, उसको हर एक ब्रांच पे क्लिक प्रूनिंग आपने करनी है। जैसे ये है इसको भी देखो, हाँ इसको देखो, जैसे ये वाला है ना तो आप इसको कोशिश करो कि भाई देखो ये टोटल वेस्ट है, ठीक है। अब आपने ऐसा भी नहीं करना कि आप इसको यहाँ पे आ जाओ, तो फ्रूटिंग एरिया भी थोड़ी कोशिश करनी कि फ्रूट लग जाए, तो आपने क्या करना है यहाँ पे चले जाओ, क्या पता ये वाला खुल जाए फ्रूट दे दे, ठीक है। इससे क्या होगा, अब इतनी इसकी कैपेसिटी थी तो उसमें से इतना सैप आपने डाइवर्ट किया, इसकी एनर्जी डाइवर्ट की ना, तो इसने क्या करना है, कुछ तो यहाँ पे फ्रूटिंग एरिया बनाएगा या फ्रूट दे देगा, फिर या इस पे काम करेगा, ये खोल देगा, या ग्रोथ आएगी या फ्रूटिंग बड आएंगे। और HDP का मतलब है ही क्या है कि HDP की एक चीज़ है कि हम लकड़ की जगह फ्रूट तैयार करते हैं, लकड़ की जगह फ्रूट तैयार करते हैं, मीन्स क्या है कि फ्रूटिंग एरिया M9 पे इन टिपों पे बनता है, इस वाली पे जो इतनी पतली होगी, जो इतना मोटा होगा ना उसमें कम चांस रहते हैं कि फ्रूट लगेंगे या फ्रूटिंग एरिया बनेगा। तो हमारे को ये वाली नहीं तैयार करनी है, जो हम स्टब कट भी मारते हैं, जैसे ये मारा यहाँ पे, इसको मारने का एक ही वजह थी कि यहाँ से हमारे को नई ब्रांच चाहिए इस तरह की ताकि वो फ्रूट दे, हमारे को लक्कड़ नहीं चाहिए, लक्कड़ हटाया हमने और लक्कड़ की जगह फ्रूटिंग एरिया बना दिया। तो यही कोशिश करनी है, जहाँ पे भी ऐसा आपको सिचुएशन मिलेगी कि यार ये तो खाली वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं आया इसमें, तो आपने इस तरह से रिन्यूअल पे डाल देना है। अब ये वाली ऊपर वाली तो आपने रखनी नहीं, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि लोग क्या कर रहे हैं जनरली, चाहे वो हिमाचल के जहाँ मर्जी को, चाहे एक्सपर्ट भी हो, हम मैं तो नहीं हूँ, पर हमारे जैसे जो भी होंगे वो क्या करते हैं कि जी बोलते हैं इसको स्टब मारो जीरो से, तो पहले ही बोलते हैं कि जीरो से नहीं काटना जी, यहाँ पे कैंकर लगता है, फ्लश कट जिसको बोलते हैं ना टॉप, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, वो ठीक है नहीं करना, वो चाहे HDP हो चाहे रॉयल हो जो मर्जी हो नहीं करना। पर जो ये वाला भी गया ना, इसके दो ही सोल्यूशन है, इधर दिखाई उसको सुनिए, जो नज़दीक से ये इतना बड़ा वाटर शूट आया ना, इसके दो ही सोल्यूशन है। अब देखो इसने इतनी एनर्जी ली, इतना पोटेंशियल था इसके पास, अब इसको हम या तो यही करेंगे काट के फेंक देंगे, तो इतना सारा न्यूट्रिशन नीचे फेंकने का भी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें दो ही सोल्यूशन है, या तो इसमें स्टब मारो, स्टब ये छोटा नहीं मारना कभी भी, अगर आप छोटा स्टब मारोगे तो आपने जो आपने मेहनत की थी वो दोबारा वेस्ट होगी, छोटा मारोगे तो दोबारा ग्रोथ पे चला जाएगा, आपका फ्रूटिंग वाला काम खत्म। अगर स्टब मारना है तो लंबा मारना है 7-8 इंच वाला, इससे क्या होगा 7-8 इंच वाला जो आप स्टब कट मारेंगे इस पे ऊपर वाली 1-2 इंच ग्रोथ पे जाएगी, नीचे बीम में फटेंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं मारना तो आप इसको कोशिश करो नीचे मोड़ दो, कहीं भी टूटता भी है तो कोई इशू नहीं, पर कोशिश करो आराम से, अगर कहीं ऐसे मोड़ता है मोड़ दो, वो पूरा फ्रूटिंग दे देगा, ठीक है। अगर वो जैसे सपोज अभी टूट गया कोई इशू नहीं, फिर इसको स्टब दे दो, ये थोड़ा फिर भी छोटा गया, पर 7-8 इंच का यहाँ तक का स्टब मिलेगा तो ये नीचे फ्रूटिंग एरिया बनाएगा, ऊपर हल्की सी ग्रोथ देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि स्टब जो आज तक की हमारी प्रैक्टिस थी, चलो रिन्यूअल वाला जो स्टब कट मारना है, जैसे 1-2 ब्रांच रिन्यूअल डालनी है, वो मारो आप 3-4 इंच में, ठीक है, नज़दीक से। पर जो और जगह आप स्टब मारे वो स्टब मारने 7-8 इंच पे, खासकर गाला में, क्योंकि वो अगर छोटे स्टब मारेंगे वो ब्लाइंड वुड देगा, दूसरा वो बीमा पैदा नहीं करेगा, ग्रोथ में जाएगा। तो अगर आप फ्रूटिंग एरिया बनाना है तो इसको आप बेटर है इस तरह से काटो, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें ऊपर वाला वही है, अब ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग है ये, अब यही है ना, अगर बंदे क्या कर रहे हैं आज की डेट में, हम सब लोग कर रहे हैं HDP वाले, कि यहाँ से अपराइट शूट आया,
इसने इतनी एनर्जी ली, अब क्या करेंगे इसको यार, जीरो से तो हम हटाएंगे नहीं। छोटा सा स्टंप मारे लोग यहाँ पे, तो अगर लोग यहाँ पे छोटा सा स्टंप मारेंगे ना, तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो क्या, वो दोबारा ग्रोथ पे जा रहा है। तो बेटर है इसमें लंबा स्टंप मारो यहाँ पे ना, यहाँ पे मारा आपने तो यहाँ पे क्या है, वही टॉप वाला ग्रोथ में जाएगा, नीचे 100% बीमें फटेंगे, नहीं तो आपने नेक्स्ट ईयर देख लेना, ठीक है। मतलब आपने फ्रूटिंग एरिया बनाना है ना, बगीचे तो बना दिए, कनोपी बन गई, आपको फ्रूट लेना है तो फ्रूटिंग एरिया इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और फिर अगेन वही है, अब इसमें देखो दूर पड़ा है कटना, तो ब्लाइंड वुड होगा, तो आपने बिना कट के तो छोड़ना ही नहीं है। क्लिक प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है गाला में, ठीक है, क्लिक प्रूनिंग करनी है। और दूसरा क्या बोलते हैं, जो अपराइट शूट है थोड़ा लंबा काटो इसको, फ्रूटिंग एरिया बनाओ और आगे से भी क्लिक कर दो। अब इसमें तो आपके पास पीछे फ्रूटिंग एरिया है, ठीक है, हाँ, अब यहाँ कट पड़े तो पीछे काम किया, अगर कट थोड़ा यहाँ पड़ता तो ये भी खुल जाने थे। ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही है, हम लोग लगा रहे हैं HDP, पैसा इतना लगा रहे हैं, 2-2.5 हज़ार एक प्लांट के पीछे, पर वो हमारी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रही, प्रोडक्शन आ नहीं रही, तो प्रूनिंग पे बहुत ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रूनिंग में हमेशा सेब की जो प्रूनिंग है उसमें क्या है, सेकेंड ईयर वुड पे ही फ्रूट लगता है मैक्सिमम, जो टिप पे लगता है, टिप बेरिंग कुछ एक गाला है फ्रेश ग्रोथ पे लगता है जो, उसमें क्वालिटी नहीं बनती जो दूर वाली टिप होगी, ठीक है। तो जैसे स्टोन फ्रूट है आपका, कीवी हो गया, परसिमन या प्लम भी हो गया, उसमें फ्रेश ग्रोथ पे भी फ्रूट लगता है। तो सेब का क्या है, 2 साल की लकड़ी पे फ्रूट लगता है, तो कोशिश करनी है कि आपने 2 साल की लकड़ी बनानी है, तो जो टिप पे कट लग रहे हैं ना ये वाले, तो इसका मकसद सारा यही है, यहाँ कट लग गया तो 2 साल का बन गया ना, अगर आप इसको कट नहीं मारते तो ये सिंगल ही रहना था, पीछे ब्लाइंड वुड रहता और आगे कुछ लगना नहीं था, और इतने बड़े शूट में अगर टिप पे लगता भी तो छोटा लगना था, 6 लेयर 7 लेयर। अभी इसको आपने 2 साल का बना दिया, इवन थोड़ा नज़दीक मारो तो पीछे क्या, यहाँ हल्की सी ग्रोथ आएगी, पीछे बीमे फाड़ देगा। तो ये कटिंग बहुत ज़रूरी है, क्लिक प्रूनिंग गाला में बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने फ्रूटिंग लेनी है और पौधे बचाने हैं, अदरवाइज़ प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, हमारी प्रोडक्शन मीट नहीं कर रही, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है। तो बाकी यही है जो ऊपर को जा रहे हैं, अब मैं जो अपने बगीचे में प्रैक्टिस की है, बेशक लोग कुछ भी बोले, अब जैसे मेरा यहाँ वाला सिचुएशन है, मैं अगर मेरा अपना पौधा होता या मेरा पौधा है, मैं करके आया हूँ प्रैक्टिस, मैंने वीडियो भी बनाई है, तो मैंने इसको लीडर बनाया। अब इसको लीडर बना के फ़ायदा नहीं ना, आप देखो सारी आइस डेड है, तो ज़ीरो है, मतलब पूरे प्लांट का यहाँ से ऊपर 40% एरिया तो है ही है, नहीं तो 45-50% है, ठीक है। अगर डेड वुड रहेगा सारा, आइस मरी हुई है, तो फ्रूटिंग कहाँ आनी है। तो मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा बांध के इसको लीडर बनाया है, और इस पर काम करूँगा अब मैं, हाँ इसको हटा देंगे, बांधोगे ना आप, अभी बांधोगे, एक महीने बांधोगे अपनी जगह ले लेगा, फिर उसके बाद अभी विंटर में उसके 10-15 दिन बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको लीडर बना दो, इस पर काम करो, आपका पौधा भी नया बन गया और फ्रूटिंग एरिया भी बन गया। एट लास्ट तो हमारे को फ्रूट लेना है ना, फ्रूटिंग एरिया बनाना है, तो ये चीज़ है, ये है। तो गाला में ऐसी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और थोड़ी जो आपकी स्पर है इसको भी हम करेंगे, इसकी थोड़ी डिफरेंट है प्रूनिंग। आपने प्रूनिंग से पहले 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है, एक रखना है सबसे पहले, अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं कि भी स्पेसिंग का, कि आपने लेआउट कैसे किया हुआ है, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो कितना स्पेस दिया हुआ है, उस हिसाब से प्रूनिंग होती है, चाहे वैरायटी जो मर्जी हो। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है प्रूनिंग से पहले, आपने देखना है कि भाई आपकी वैरायटी कौन सी है, गाला है, स्पर है, रॉयल है, उस पर भी मैटर करता है कि प्रूनिंग उस हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक वैरायटी अलग प्रूनिंग मांगती है, ठीक है। तीसरा करता है आपका, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कैंची से उठाने से पहले, जो आपने माइंड सेट बनानी है। तीसरी चीज़ है आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूटिंग बड कितना है, कि इस साल फसल कितनी थी, अगले साल ऑफ ईयर है कि ऑन ईयर है, और जो आपके प्लांट में जैसे सपोज बीमा पड़ा भी है तो पता लग जाता है, देख के कि ये पत्ती वाला बीमा है या ये फ्रूट वाला बीमा है, ठीक है। जो बीमे बिल्कुल लाल होंगे, काट के भी पता लग जाएगा, इसके अंदर का कोर ना जो वो लाल होगा ना, तो समझो पत्ती वाला है, अगर वो वाइट होगा तो वो आपका फ्रूट वाला है। अगर आपके पौधे में फ्रूट वाले बीमे ज़्यादा है तो आपने कटिंग थोड़ी हार्ड कर देनी है, बीमे हटा देने हैं। अगर आपका पत्ती वाला बीमा है तो आपने बीमे कम ज़्यादा रखने हैं, तब ज़्यादा हार्ड कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि पता है कि पत्ते ज़्यादा निकलें तो बीमे ज़्यादा रखो, ताकि कुछ ना कुछ तो फ्रूट निकले। वो चीज़ें 3 माइंड सेट आपके क्या हर एक प्रूनर के पहले होने चाहिए माइंड में, कि मैंने इसको देख के प्रूनिंग करनी है। और हर एक पौधा, हर एक वैरायटी अलग प्रूनिंग मांगती है, एक जैसी प्रूनिंग नहीं है वो, चाहे HDP हो, चाहे रॉयल हो, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। ये है आपका गाला से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, जो हमारे को लगता है हम बता देंगे। मैं बताऊँगा हमें बैंड करना है जी, कितना बैंड करना उसको, कितना झुकाना है, जैसे कोई नया फ्रेश है माना, कोई भी है माना, हाँ
हाँ जैसे सपोज ये वाला है कोई भी, कितना बैंड करना है? देखो ये करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कौन सी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। सपोज HDP है आपने M9 पे लगाया है तो इसमें होता है टॉल स्पिंडल, टॉल स्पिंडल प्रोनिंग होती है। टॉल स्पिंडल प्रोनिंग ही क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे को पता होना चाहिए। सारे बोलते हैं कि टॉल स्पिंडल करो जी HDP पे। HDP पे टॉल स्पिंडल प्रोनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी बाहर के फॉरनर्स थे या यूनिवर्सिटी थी या हमारे नॉनी के साइंटिस्ट थे या इंडिया के कहीं के भी थे, तो उन सब ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो टॉल स्पिंडल प्रैक्टिस है सेब पे, उस पे सबसे बेहतर फ्रूट और साइज बनता है क्वालिटी, इसलिए हम लोग इस पे प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा इस पे आती है, तो इसलिए हम लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब टॉल स्पिंडल होता क्या है? टॉल स्पिंडल क्या होता है कि जी एक लीडर होता है और उसके चारों तरफ टहनियाँ निकालनी है लीडर के, और वो टहनियाँ मुड़नी चाहिए आपकी बिलो हॉरिजेंटल। जैसे ये पौधा है, ये हॉरिजेंटल वाली ब्रांच है 90 डिग्री, पर उसमें मोड़नी है नीचे M9 का पौधा है अगर, ठीक है, टॉल स्पिंडल में। तो आपका आंसर ये है कि अगर सपोज ये वाली ब्रांच है तो आपको ऐसे मोड़नी है, टॉल स्पिंडल का मतलब है बिलो हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल से नीचे लाना है बेंडिंग। क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है कि जो M9 के पौधे होते हैं ये जो अपराइट शूट होते हैं बहुत कम देते हैं, स्पर के तो देते ही नहीं है, गाला में आता है कहीं कहीं बीच में, पर उसमें भी कम ही आते हैं। तो M9 में अपराइट शूट का इशू नहीं होता, इसलिए टॉल स्पिंडल में ये कोई इशू नहीं है कि इसमें अपराइट आएंगे। तो आपने जो भी बेंडिंग करनी है बिलो हॉरिजेंटल करनी है, तो आपका सीधा सा बन जाएगा, एक लीडर ऊपर जाएगा, उससे आपने ब्रांचें निकालनी है और उनको नीचे मोड़ते जाना है। तो ये चीज़ है इसमें। बाकी क्लिक प्रोनिंग बहुत ज़रूरी है, और कोई इसमें इसमें यही है ना। बाकी देखो स्पर में खासकर जैसे ऊपर वाली लाइन है, इधर से चले आगे से है बीच में गैप, हाँ यहाँ पे समझदा दानी कुछ कह रोकड़े की क्या से कोई बात नहीं। हाँ ये वाला अब देखो इसमें क्या है कि मैं अभी बोल रहा था आप लोगों को ना कि प्रोनिंग स्पर और गाला में डिफरेंट है, वो सेमी स्पर में भी डिफरेंट है, गाला में तो है ये। अब जैसे आपका ये स्पर है, ये वासनी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसका करेक्टर ये कि बीमे बनाए गए, तो इसने बीमे बना दिए। अब बीमे बनाने के बाद क्या है, इसने ग्रोथ छोड़ दी, ठीक है, यही एक इशू है इसका। इसमें सबसे पहले हमने ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर आपका सपोज स्पर का बगीचा लगा है, स्पर की लाइन लगी है, तो इसमें आपने पहले तो 2-3 साल तक फ्रूट नहीं लेना है, बीमे बनने नहीं देने हैं। बीमे बनेंगे तो आपका ये ऊपर वायर, लास्ट वाली वायर नहीं छुएगा। तो आपने क्या करना है कि इसकी बर्ड्स की प्रूनिंग करनी है, बीमे निकाल देने हैं, ठीक है। पर अब कंडीशन ये हो जाती है कि जिनके तो पहले ऊपर छू चुके पौधे, उसमें प्रूनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें खाली बीमे की छटाई करनी है, उसमें ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि इसकी जो स्पर वैरायटी की जितनी भी वैरायटियां हैं, जितने भी पौधे हैं, ये रिप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब हर साल प्रोडक्शन देते हैं, ग्रोथ पे कम जाते हैं, ये प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए इसमें बीमे बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि, और आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑफ ईयर भी दिया इसने, ऑफ ईयर भी देते हैं, ये इसीलिए देते हैं अगर आपने प्रूनिंग टाइम में इसकी ढंग से इसकी बर्ड्स की थिनिंग नहीं की है तो तभी ऑफ ईयर जाता है। अगर तो आप सेब लगने के बाद थिनिंग करो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसकी कटिंग के टाइम ही थिनिंग हो जाती है, तो आपने वो ध्यान रखना है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपका गाला है उस पर फोकस रखना है कि आपके बर्ड्स बनते रहे, और जो आपकी स्पर वैरायटी है उस पर फोकस रहना चाहिए आपकी ग्रोथ जाती रहे ऊपर तक, क्योंकि ग्रोथ का इशू है। अब इसमें देखो ये वाला है जैसे, तो आपके पास यही ऑप्शन है कि यहाँ आपका फ्रेश ग्रोथ गई है और इस मेन लीडर से ऊपर चली गई है, तो आपने इसको हटा देना, ठीक है, काट दूँ, ये हटा दिया आपने, ठीक है। तो इतना सारा जितना भी इसका ये पोटेंशियल था जो भी थी, इसमें बीमे सारे हटके कहीं ना कहीं कंज्यूम होंगे, इस पे देखना ये साल ही बहुत ऊपर भाग जाएगा। इसको आपने थोड़ा बांध देना हल्का सा ना, क्यों बांधना भी नहीं होगा, वायर लगी है वायर के साथ बांध देना, कहीं टूट ना जाए, ठीक है। इस पे एक चीज़ तो आपने ग्रोथ पे ध्यान देना है, दूसरा क्या है कि ये देखो ये बन गया बिल्कुल, है ना। अब इसमें क्या करना है, दूसरा जो भी स्पर वैरायटी होगी उस पे ग्रोथ कहाँ आती है, हमेशा स्लिपिंग आइज पे। ये यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल जाएगा, यहाँ देखो बिल्कुल नज़दीक कट मारा तो यहाँ स्लिपिंग आइज ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, इस तरह की वो उठी और उसने ग्रोथ ले ली। अगर यहाँ पे कट सपोज़ कहीं और लगा होगा, तो जैसे सपोज़ यहाँ लगा तो इसने क्या किया, हल्की ग्रोथ ली, फिर से बीमा बना दिया। तो मतलब स्पर का करेक्टर है, आप कट भी करोगे तब भी बीमा बनाएगा, पर अगर आपने स्पर में कटिंग करनी है तो ऐसी जगह करनी है, स्लिपिंग आइज ढूंढनी है, वो भागेगी, वो ग्रोथ देगी।
और दूसरा क्या करना है, जो आपका ऑफ ईयर बचाना है स्पर वैरायटी पे या थोड़ा ग्रोथ हैबिट डालनी है तो इसके बीमे की छटाई करनी है। जैसे सपोज इस पे बात करें हम, तो यहाँ पे देखो, और दूसरा ध्यान ये रखना कि हम अभी बात कर रहे थे जब गाला की प्रूनिंग करनी है 1/4 निकालना है फ्रेश शूट का, इसका उल्टा है, इसका आधा एटलीस्ट निकालना है। जैसे सपोज ये है तो आपने इसको यहाँ से काट देना है, ग्रोथ चाहिए हमारे को, बीमे तो ऑलरेडी है फ्रूटिंग देने पर, ग्रोथ पे हमने ध्यान देना। ये निकाल दिया, अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो आप स्लिपिंग गाइज ढूंढनी है। अगर सपोज इसको आप यहाँ काटोगे, ये दोबारा यहाँ ये सारे बीमे बने हैं, इधर ये स्लिपिंग गाइज से भी इधर ये बीमे बनाएगा, तो आपने क्या करना है, इधर ये स्लिपिंग गाइज है यहाँ पे कट मारो, ठीक है, यहाँ पे कट मारा तो आपकी यहाँ से ग्रोथ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे भी है, इसमें क्या करना है, आपने स्पर वैरायटी और रॉयल ऑलमोस्ट एक सा बिहेव करता है। रॉयल पुराने पेड़ हो जैसे आपके 35-40 या 20-25 साल के, उसमें भी क्या है, जो बीमा 3-4 साल पुराना होगा गुच्छा सा बन जाता है, जैसे आपके मुर्गियों के पैर नहीं होते उस तरह के बन जाते हैं लटके हुए, इसमें तो लटका हुआ नहीं है उतना, पर रॉयल में मिल जाएगा आपको, तो उसको आपने रिन्यूअल करना है। मतलब बीमे को आपने 4 साल से पुराना नहीं होने देना है, वो क्या करेगा, वो ना आपको क्वालिटी देगा ना रंग देगा और सी ग्रेड से बनेगा बोरिया बिल्कुल भूस के भाव का। तो आप यहाँ देखो, आपने जैसे यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, एक को काट दो एक को फ्रूटिंग के लिए रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब यहाँ दोनों बिल्कुल साथ है और ये एरिया खाली भी है, तो आपने एक को यहाँ पे ब्रांच बनाना है, एक को फ्रूटिंग ले लो क्योंकि आपने पौधे की कनोपी भी बनानी है। ये आपने ध्यान नहीं रखना कि खाली मेरे पास इतना सा पौधा है, आपके पास तो उतना पौधा है 12 फुट तक बनाने के लिए, पहले पौधा बनाना है। तो आपने क्या करना है, इसमें से आपने ये देखो यहाँ नीचे बीमा निकलवाना, इसको हटा देना और इसको काट देना, इसको काट के ग्रोथ पे डाल दो, तैयार हो गए इस पे ग्रोथ। हाँ, इस पे ग्रोथ ले लो, इस पे फ्रूटिंग ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आपने फ्रूटिंग ग्रोथ पे ले लिया, ब्रांच बना दी, ये फ्रूटिंग के लिए रख लिया। अब इस साइड को भी आपने इस या इसमें से एक को ब्रांच बनाना है क्योंकि कैनोपी भी बनानी है ना साथ में, तो आप इसको काट दो स्लिपिंग गाइज, इसमें ये इस पे चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी जहाँ दो दो है ना, उसको एक को रखो, आप एक को रखो फ्रूटिंग के लिए, एक रखो ग्रोथ पे। अब यहाँ पे देखो, ये कोशिश की थी यहाँ पे, कट मारा पर फिर भी बीमा बन गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्लिपिंग गाइज ढूंढनी है, स्लिपिंग गाइज इधर कहीं अगर है तो वो काम करेगी, अदरवाइज यहाँ काटोगे फिर से यहाँ पे ये रिंग है, फिर से बीमा बना देगा या हल्की ग्रोथ देके बीमा भी बनाएगा ग्रोथ भी छोड़ेगा। तो आप कोशिश करो यहाँ से काटो, अगर यहाँ से कुछ ये ब्रांच छोड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला है, ये फ्रेश ग्रोथ है और ऊपर भी जा रही है, तो आपने बेंड करना है। ये फ्रूटिंग एरिया है, अब फ्रूटिंग एरिया यहाँ देखो आपके पास, ये भी फ्रूटिंग बड है और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 साल है इसने यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट ले लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो 4 साल तक नहीं रखना चाहिए बीमा, वो क्वालिटी आपको जीरो देगा और इतना दूर है लास्ट वाले पॉइंट पे तो जीरो देगा। तो रिन्यूअल पे डालो इसको, यहाँ रिन्यूअल पे डाला ना, यहाँ यहाँ से ग्रोथ भी आएगी, यहाँ फ्रूटिंग भी आएगा, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब फ्रूटिंग पे भी ध्यान देना है और ग्रोथ पे। इसको बेंड करना है, बेंड करना पर क्लिक दे देना है, बिना क्लिक के नहीं छोड़ना। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया ना बेंड करके, तो क्या होगा, यहाँ बीमे फटेंगे, ये पूरा ब्लाइंड वुड रहेगा। आपने दोनों चीज़ें ध्यान देना है, इसको हाँ स्पर को हमेशा आधा काटना है, तब जाके काम करेगा, ग्रोथ भी लेगा और पीछे भरेगा भी, पर शर्त है इसका आपने बेंड ज़रूर करना है, अगर बिना बेंड करके तो ये इसको कम्पीट करेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें है, इसमें ये वाला एरिया, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 यहाँ पे बीमे बने हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप 2-3 बीमे भी रखोगे, अगर वो भी काम करेगा तो वो भी काफ़ी है क्वालिटी के लिए। बीम भी आ गया, बाकी नया चलेगा। हाँ, नया भी चलेगा, ठीक है। और इसको भी आपने वैसे ही करना है, इसको अगर आपने ब्रांच बनाना है तो हल्का सा बेंड करके इसको इस तरह से कर देना, मैंने इसको ऐसा करें। हाँ, कर सकते हैं इसको, जहाँ आपको एरिया मिला है ना, बेंडिंग जरूरी नहीं है उसी डायरेक्शन में। अगर आपको सपोज ये वाला एरिया खाली है तो आप ये कंज्यूम कर लो, ठीक है, ये वाला कंज्यूम कर दो जहाँ एरिया आपके पास है, ठीक है। अब ये फ्रेश ग्रोथ है, इसको आप आधे से काटना है, तब जाके ये ग्रोथ पे जाएगी। ये थोड़ा सा अब यहाँ तिरछा कट मारना पड़ेगा इसमें, किसमें, इसमें ताकि ग्रोथ आएगी ना आगे। हाँ देखो, वो अगर तो आप बारीकी से करोगे ना तो आईज का ध्यान रखना है, बाहर को बाहर की आईज रखे फिर कट मारना है, ठीक है। सीधे कट तो ग्रोथ है, सीधे कम हो जाती है। ये हो गया। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला देखो ना, अगर तो सपोज आपका यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीमे ऑलरेडी आपके पास है और सबसे बढ़िया फ्रूटिंग एरिया, सबसे जो बढ़िया सेब बनता है इन बर्ड्स पे बनता है जो बिल्कुल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जो आगे आगे जितने जाएंगे उतना कमज़ोर बनता जाएगा। तो आपने क्या करना है, फॉर द टाइम बिंग अगर तो आपके पास इधर जगह है तब तो आप इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लगा तो आप इसको आधे से काट दो, ठीक है। और इसको अगर मोड़ना है मोड़ दो, नहीं मोड़ना तो वही आधे से काट दो। आधे से काटने से क्या है कि पौधे की ग्रोथ भी चलती रहेगी, कहीं से तो ग्रोथ छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारे 5-6 शूट तो सारे ग्रोथ वाले, बाकी सारे बीमे हैं। यहाँ से ग्रोथ भी आएगी, पीछे फ्रूटिंग एरिया भी बनेगा,
तो कहने का मतलब ये कि इसको आपने जीरो नहीं करना, जीरो करेंगे तो आप ग्रोथ भी मार रहे हैं और फ्रूटिंग एरिया भी मार रहे हैं। तो इस तरह से करना, तो ये सारे जितने भी है रिन्यूअल पे डाल देने, यहाँ तीन चार है तो इसको दो को रखो, बाकी को उस पर। अब यहाँ से आगे देखो ये पूरा डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो इसको रिन्यूअल पे डाल दो। यहाँ देखो ये इस पर, ठीक है। अब लगने होंगे ना, इसमें भी बहुत लग जाएंगे जितने रखे, ऑफ ईयर भी बच जाएगा। अब देखो आपका जैसे ये है तो यहाँ ऑलरेडी इतने बने हुए हैं, एक दो तीन चार, तो इसको आप किसी भी आइस से ये वाले रिन्यूअल पे डाल दो। मतलब एक छोटे से एरिया में अगर आपके पास 10 बीम है तो उतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी, अगर सब पे फूल निकलेगा, सब पे फूट लगेगा तो छोटा लगेगा। इसमें क्या होगा, अगले साल यहाँ से बीम भी निकलेंगे, हाँ बीम भी निकलेंगे, हल्की ग्रोथ भी निकलेगी, अगर फ्रूट लगेगा निकलेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपने देखना है कि तो इस साल का फ्रूटिंग एरिया ये हो गया, नेक्स्ट ईयर का फ्रूटिंग एरिया बढ़ेगा, तो अगले साल रेड हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आपने एक ही ऑफ ईयर साथ ही बचाना है प्रूनिंग करके, दोनों चीज़ इकट्ठा, ठीक है। तो शूट भी लेना है और कटिंग भी लेनी है इस तरह से। तो यही चीज़ है इसमें, बाकी कुछ खास है नहीं, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके प्रूनर है तो ये नहीं है कि गाला में भी वही प्रूनिंग करो और इस पर भी प्रूनिंग करो। ग्रैनी